हेलो दोस्तों, का फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले जिसमें आज के ट्रेडिंग्स में थोड़ा सा प्लस पॉइंट का फिगर देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों स्टॉक 2019 में लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, वहां से अभी तक जैक पॉट साबित हुआ है। दोस्तों पिछले 5 ईयर में रफली स्ट्रॉन्ग तरीके से यानी कि जैक पॉट की तरह इस स्टॉक में मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों स्टॉक फ्यूचर के लिए अच्छा खासा है क्योंकि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से सारा इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पिछली 1 मंथ की बात करेंगे तो रफली 4% के आसपास का गिरावट का फिगर है। पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो 6% के अराउंड में गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि पिछले 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर रफली 553% से एवफ का मुनाफा का फिगर है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। और दोस्तों सबसे अधिक दिनों की बात करें तो यहीं इसका प्राइस ग्राफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 2019 में लिस्ट हो तो देखने को मिल रहा है, वहाँ से अभी तक देखा जाए इसका प्राइस ग्राफ तो स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों स्टॉक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी का फिर भी देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है। देख सकते हो इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली के बाद में थोड़ा समय यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे रैली दिखाया था, उसके बाद से आजकल इस स्टॉक में इसका प्राइस थोड़ा समय साइड जोन में देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस डेफिनेटली यहाँ से भी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की रिगार्डिंग। यहाँ पर दोस्तों इसका रेवेन्यू के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे इसका रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछली 5 ईयर के यहाँ पे ग्राफ है, एवरी कंपनी स्ट्रॉन्ग इनकम के साथ में बिजनेस किया है, जिसकी वजह से इस तरीके से इसका रेवेन्यू ग्राफ देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट की ग्राफ की बात करेंगे तो ये भी इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछली 5 ईयर ग्राफ है, एवरी कंपनी नेट प्रॉफिट ने भी स्ट्रॉन्ग इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है। जिस तरीके से इसका बिजनेस एंड नेट प्रॉफिट के ग्राफ देखने को मिल रहा है, स्टॉक फ्यूचर में यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इसका मिशन की बात करें और इसका विजन की बात करें तो इसका विजन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, फ्यूचर के लिए स्टॉक काफ़ी शानदार है। और दोस्तों इसका मिशन का फिगर भी देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका मिशन भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल टोटल 27 प्लांट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 30 साल का एक्सपीरियंस, जो कि स्ट्रॉन्ग रिच एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे 24 मिलियन यहाँ पे लीफ टॉस एवरी डे का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी अपने आप में काफ़ी शानदार है। और दोस्तों 55,000 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम हमें देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक फ्यूचर के लिए काफ़ी शानदार है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिगार्डिंग, तो प्रॉब्ली 5,800 करोड़ से एवफ का फिगर है, जो कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हाई वोलेटिलिटी का फिगर देखने को मिलता है। हालांकि इस स्टॉक का 52 की हाई की बात करेंगे तो रफली 670 के आसपास का हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जब इस स्टॉक में गिरावट हमें देखने मिला था, इसका प्राइस रफली 491 के आसपास में इसका प्राइस आते हुए देखने मिला था। हालांकि स्टॉक प्रीशो की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रफली 65 के आसपास का फिगर है, जो कि इंडस्ट्री के प्रीशो की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ओनली 37 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू PE रेशियो इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है फिलहाल। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार फिगर है, 21% का फिगर है। और दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो रफली 18% से एवव का फिगर है, जो कि इसका फेस वैल्यू रुपीज़ में 2 का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 65% के आसपास का होल्डिंग है, जो कि कोई प्रमोटर का सेल प्लेस है नहीं। EPS की बात करेंगे तो ओनली 8 रुपये के आसपास का EPS है, जो कि रफली अच्छा खासा है। और दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो भाई 1.37 का फिगर, इनकी थोड़ा सा हमें डेप्ट का फिगर भी अधिक देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्री कैश फ्लो की बात करिए तो 65 करोड़ का पे नेगेटिव फिगर ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसके क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने जबरदस्त तरीके से
सेल्स में उछाल दिखाया था। हालांकि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी काफ़ी शानदार फिगर है दिसंबर क्वार्टर का। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर नेट प्रॉफिट का फिगर भी रफली अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग दिसंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। हालांकि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स में अच्छा खासा इनकम के साथ में फिगर हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसका ईयरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी शानदार फिगर है एवरी ईयर का। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो एवरी ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकम के साथ में फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी एवरी ईयर का जबरदस्त फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 3 साल का बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 50% का है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ 48% का पिछले 3 साल का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में ओनली 6% का सीएजीआर का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली 5 ईयर में 48% का सीएजीआर का रिटर्न का फिगर है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। और दोस्तों रिटर्न इक्विटी का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर रिजर्व के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो एवरी कंपनी अभी तक अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में रिजर्व का फिगर शो किया है। और दोस्तों यहाँ पर डेप्ट की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत डेप्ट का फिगर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से एवरी ईयर का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्मॉल कैप से बिलोंग करता है लेकिन इसका फंडामेंटल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका बिजनेस ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से स्टॉक फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे शेयर होल्डर प्रिंट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग रफली 65% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि FII की होल्डिंग भी काफ़ी शानदार तरीके से है। और दोस्तों DA की होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि DA ने थोड़ा सा बिकवाली किया है दिसंबर क्वार्टर में। जो कि रिटेल की बात करेंगे तो फिर रिटेल का होल्डिंग जबरदस्त तरीके से फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों FII ने थोड़ा सा खरीदारी किया है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में, तो शेयर होल्डर प्रिंट अपने आप में अच्छा खासा है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो, फ्यूचर में इसका प्राइस रफली 1000 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से इसका बिजनेस ग्रोथ है, फ्यूचर के लिए स्टॉक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें ग्राउंड का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस रफली 450 के अराउंड में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 1000 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल जबरदस्त है। और दोस्तों जिस तरीके से इसका मिशन और विजन है, फ्यूचर के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हालांकि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हाई वोलेटिलिटी का फिगर भी देखने को मिलता है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो का नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।